हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वंश भगत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज इस चैनल पे मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, W4H। दोस्तों, ये कोई मैथ्स या साइंस का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है व्हाट, व्हाई, वेयर, हु एंड हाउ मैनी। यानी कि इस सीरीज में मैं आपको कोई चीज़ कैसे होती है, क्यों हुई, कब होगी, ऐसा क्यों है, ऐसे बहुत से सवालों का आपको साइंटिफिक जवाब देने वाला हूँ। यानी कि इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ नॉर्मल सवालों के साइंटिफिक जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। यह है W4H का पार्ट 1। और फ्रेंड्स, आज का सवाल है कि क्या आप एक सर्कल यानी कि गोल के रहस्य के बारे में जानते हैं? आप कहेंगे कि एक सर्कल का क्या रहस्य होगा, एक सर्कल तो सर्कल ही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद, उसे जानने के बाद आप बहुत ही शौक रहने वाले हैं। दोस्तों, एक परफेक्ट सर्कल की वैल्यू पाई है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, लिखते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि परफेक्ट सर्कल की वैल्यू की जो पाई है, उस पाई की कोई परफेक्ट वैल्यू ही नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि बचपन में तो पढ़ा था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आप चाहे कितना भी कैलकुलेट करो, लेकिन आप 22 को 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी डिवाइड कर लो, लेकिन 22/7 का ना ही आपको कोई परफेक्ट आंसर मिलेगा और ना ही आपका आंसर कहीं पे जाके रिपीट होगा। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने पाई की वैल्यू सुपर कंप्यूटर ने भी खोजने की कोशिश की थी। सुपर कंप्यूटर ने 22/7 को लगभग बिलियन नहीं, मिलियन भी नहीं, बल्कि 3 ट्रिलियन यानी कि 3 ट्रिलियन बार डिवाइड किया था। लेकिन सुपर कंप्यूटर को भी नहीं कोई परफेक्ट आंसर मिला था और ना ही उसका आंसर कहीं पे जाके रिपीट हुआ था। यानी कि पाई की वैल्यू अभी तक खोजी ही नहीं गई है। यानी कि पाई की, जिसको हम एक परफेक्ट सर्कल की वैल्यू बोलते हैं, उस पाई की खुद की ही कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई टीचर है और वो स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं। अब टीचर को खुद को ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं, तो वो स्टूडेंट को भी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। यानी कि अगर टीचर को ही ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से नहीं पता, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री पता होगी। यानी कि एक स्टूडेंट जिसके पास ट्रिग्नोमेट्री सीखता है, उसको खुद को ही ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं आती, तो स्टूडेंट को भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसी तरह कि परफेक्ट सर्कल की जिसकी वैल्यू पाई है, उस पाई की ही कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि पाई की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पाई कि जिसे हम परफेक्ट सर्कल की वैल्यू मानते हैं, उस परफेक्ट सर्कल की ही कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए, परफेक्ट सर्कल की ही कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट सर्कल नहीं है, सिर्फ आज के लिए। यानी कि अभी तक कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट सर्कल है, क्योंकि परफेक्ट सर्कल की वैल्यू पाई उसकी खुद की कोई परफेक्ट वैल्यू ही नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आगे जाकर भी इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट सर्कल नहीं होगा,
क्योंकि आज नहीं तो कल शायद साइंटिस्ट को भी पाई की वैल्यू मिल ही जाएगी। बहुत से साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर भविष्य में, अगर फ्यूचर में हमें पाई की वैल्यू मिलती है, तो उस वैल्यू के हिसाब से, तब उस समय उस वैल्यू के हिसाब से जो भी सर्कल होंगे वो होंगे परफेक्ट सर्कल। यानी कि फ्रेंड्स, आज की डेट में, इस वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परफेक्ट सर्कल नहीं है। यानी कि आज के बाद किसी भी सर्कल को परफेक्ट सर्कल कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि पाई की वैल्यू के हिसाब से, पाई की जो पहले पहले वैल्यू होती है कि 3.14, तो इस हिसाब से वर्ल्ड में पाई डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल पाई डे, जो कि 14 मार्च को होता है, 14 मार्च। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पूछा था कि एक सर्कल का रहस्य क्या है, तो उसका साइंटिफिक आंसर यही है कि इस दुनिया में कोई भी सर्कल एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ W4H के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।